नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों से पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कई बड़े फैसले किए हैं। गजा में पिछले एक साल से चल रहे युद्ध में इजराइल अपने मकसद को पूरा कर पाने में अभी तक नाकाम रहा है। इसके बावजूद जो बाइडेन ने नेतन्याहू का खुलकर समर्थन किया है, लेकिन अब जब अमेरिका की सत्ता बदलने वाली है तो नेतन्याहू के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को कमला हैरिस के मुकाबले ज्यादा इजरायली समर्थक माना जाता है। कल तक कमला हैरिस के चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा थी, तो नेतन्याहू ने भी आनन फानन में कई फैसले कर डाले और अपने रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को भी पद से हटा दिया। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार रात इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया। इसके पीछे पीएमओ की तरफ से तर्क दिया गया है कि युद्ध प्रबंधन को लेकर दोनों नेताओं के बीच लगातार मतभेद बढ़ रहे थे। कुछ जानकार मान रहे हैं कि इस फैसले के पीछे अमेरिकी चुनाव में ट्रंप का पिछड़ना भी बड़ी वजह है। अब नेतन्याहू का यह फैसला उनके लिए मुसीबत बन गया है। रक्षा मंत्री योआव गैलेंट की बर्खास्तगी के विरोध में मंगलवार देर रात तेल अवीव में हजारों इजरायली लोगों ने रैली निकाली, जिसमें उनके उत्तराधिकारी इजराइल कैट्स से अपील की गई कि वो गजा में अभी भी बंदियों को वापस लाने के लिए बंधक समझौते को प्राथमिकता दें। सरकार और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाते हुए इजरायली झंडे लेकर प्रदर्शनकारी गैलेंट की बर्खास्तगी की घोषणा के फौरन बाद इजराइल की राजधानी में वाणिज्यिक केंद्र में जमा हुए। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू को अपने सूत्रों से खबर मिली थी कि कमला हैरिस चुनाव जीत रही हैं और वो युद्ध रुकवाने के लिए और हमास से बंधक रिहाई डील ना करने पर उन्हें जवाबदेह ठहरा सकती हैं, जिसके बाद देश में उनकी कुर्सी पर खतरा बढ़ जाएगा। जानकारों का कहना है कि अमेरिका की सत्ता बदलने से पहले नेतन्याहू अपने सभी विरोधियों का खात्मा करना चाहते हैं, इसलिए सबसे पहले उन्होंने रक्षा मंत्री गैलेंट को बदला है। नेतन्याहू का कमला हैरिस की जीत का अंदाजा गलत साबित होता दिख रहा है। वोट की काउंटिंग जारी है और अमेरिका चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रोजेक्शन नतीजों में आगे चल रहे हैं और 270 के बहुमत के आंकड़े के काफ़ी करीब हैं और 7 में से 3 राज्यों में जीत हासिल कर चुके हैं। इस बीच फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच पर एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने एक भाषण में कहा, मैं आपका 45वां और 47वां राष्ट्रपति हूँ। मैं हर एक नागरिक के लिए लड़ूंगा। हम अपने देश को फिर से मजबूत बनाने में मदद करेंगे। ये अमेरिकी लोगों की शानदार जीत है। अमेरिका ने हमें अभूतपूर्व जनादेश दिया है। हमने सीनेट पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 7 बैटल ग्राउंड राज्यों में से 3 नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया में ट्रंप ने जीत हासिल की है। माना जा रहा है कि 7 स्विंग राज्यों के नतीजे ही ये तय करेंगे कि अगला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बनेगा। ये खबर रिकॉर्ड करने तक जो रिपोर्ट मिली उनके मुताबिक ट्रंप 270 के आंकड़े के करीब पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो 267 इलेक्टोरल वोटों के साथ आगे चल रहे हैं, जबकि डेमोक्रेट कमला हैरिस 224 वोटों के साथ काफ़ी पीछे हैं। इस खबर पर अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।